आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के सह प्रभारी और पंजाब के विधायक ने पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और पंजाब के विधायक गुरिंदर सिंह शनिवार को दुर्ग पहुंचे, जहां वे ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा बनाए गए सर्कल इंचार्ज तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हम बता दें, आप केंद्रीय टीम ने आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के विधायकों को संगठन बनाने के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सह प्रभारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तक अपना घर छत्तीसगढ़ को बनाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में दुर्ग के IIMA भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए आप पार्टी के विधायक गुरिंदर सिंह ने आप पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताया। साथ ही बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इस मौके पर आप पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर SK अग्रवाल सहित आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। सबसे पहले तो दुर्ग के सभी पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। जैसा आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के टाइम पे बनी हुई, उस मूवमेंट में से उभरी हुई पार्टी है और 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो हासिल किया। देश के कोने कोने में लोग आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, सेहत और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे मसलों पे एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया है। ऐसा काम करके दिखाया है कि UN के पूर्व गवर्नर जनरल जो हैं वो भी दिल्ली में आके उनका काम देखते हैं। USA के एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, उनकी वाइफ दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाते हैं। और इससे सारे देश में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस स्टाइल है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट्स में सरकार बनाई है और 2 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा जो हासिल किया है और यंगेस्ट नेशनल पार्टी के रूप में उभर के आई है। छत्तीसगढ़ के जो आम लोग हैं वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग पिछले 22 सालों में भाजपा और कांग्रेस की जो करप्ट गवर्नमेंट्स हैं इनसे त्रस्त रहे हैं। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, इसमें भी आपने करप्शन के बड़े बड़े स्कैम्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे। रायपुर नगर पालिका में बड़ा करप्शन का स्कैम हुआ है। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि फौजियों के लिए बने शहीदी स्तंभ में भी करप्शन की एलिगेशंस लगी हैं। अभी रिसेंटली 2000 करोड़ का एक बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में निकल के आया है। अभी परसों ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पूरा शराब का भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। तो जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हैं और वो आम आदमी पार्टी की तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को जो छत्तीसगढ़ में प्यार मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो 2023 के इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी अपने पूरे दम बल के साथ इस बार इलेक्शन लड़ेगी और 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी झाड़ू के सिंबल पे अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। और जिस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2023 में छत्तीसगढ़ जो है वो आम आदमी पार्टी की और झाड़ू की सरकार लेके आने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता के क्या अपने घोषणा पत्र में प्रमुख पर लिखा है? देखिए, अभी हमारा आम आदमी पार्टी का संगठन का विस्तार बड़े तेजी से चल रहा है। हमारा सर्कल तक का जो ढांचा है वो लगभग तैयार है और अगले महीने में हम बूथ लेवल का ढांचा जो है वो तैयार कर लेंगे। इस टाइम पे हम बूथ प्रोफाइलिंग पे जोर दे रहे हैं ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं वो उभर के आ सके। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग मुद्दों पे आके छत्तीसगढ़ के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद की गारंटी देके जाएंगे और उन गारंटीज़ को लेके अलग अलग मुद्दों पे हम अलग अलग कैंपेन डिज़ाइन करके लोगों के घर घर तक पहुँचाएँगे। और जितने भी छत्तीसगढ़ के लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उन सभी को एड्रेस करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।